हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एमकेडियर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो राशन कार्ड बनवाने के लिए फ्रेंड नया नियम आ चुका है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नया नियम आ गया है और उसके लिए आपको क्या करना होगा अगर आप राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, पहले जिस तरह से राशन कार्ड बनाए जाते थे फ्रेंड, वहां पे अब नियम बदल दिया गया है। अब उस तरह से राशन कार्ड नहीं बनाए जाएंगे, वहां पे कुछ और डिटेल्स मांगी जा रही हैं। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे लगाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं jagrut.com की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है, राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो जाने नया नियम पुराने धारकों और नए आवेदकों के लिए अनिवार्य। और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा है, राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है, नए आवेदन के साथ ही स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान जिन उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं उन्हें भी आय प्रमाण पत्र देना होगा। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को ही राशन मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड आवेदन के लिए नया शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत अब बिना आय प्रमाण पत्र के राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आय प्रमाण पत्र भी एक वर्ष के भीतर का होना चाहिए। आवेदन के समय ही आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि अनिवार्य रूप से भरी जाएगी। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, दरअसल लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड जारी के सरकार के आदेश थे, जिसके चलते ई आवेदन में आवेदकों द्वारा बताई गई आय भर दी गई लेकिन प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। निरस्त होंगे राशन कार्ड, जिन आवेदकों की आय बताई गई आय से अधिक होगी उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। शासनादेश के मुताबिक नगरीय क्षेत्र में आवेदक के परिवार की कुल आय 3 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, नए राशन कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी वहाँ पे देना होगा। बिना आय प्रमाण पत्र के अब राशन कार्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने जाना कि नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट देना होगा। तो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।